सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। आज एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन का मेजर टॉपिक इस वीडियो का है यूएस वीज़ा। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ कि हम एज अ स्टूडेंट कनाडा से यूएस वीज़ा की फाइल कैसे लगवा सकते हैं एंड उसकी क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सारे वो बंदे जो कनाडा आ रहे हैं उन तक पहुंच जाए एंड इट माइट हेल्प समवन। टोरंटो, क्या बोलते हैं? टोरंटो। तो बेसिकली टोरंटो आने का मेन रीज़न यही था कि मेरी आज यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। जो लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं लास्ट विंटर यहाँ टोरंटो में था। 11 महीने हो चुके हैं हमको यहाँ कनाडा में एंड आज वापस से हम आए टोरंटो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम बात कर रहे हैं नॉन इमिग्रेंट टूरिस्ट वीज़ा की, जो कि होता है B1 B2 US वीज़ा एंड इसमें हम लोग विजिटर एंड बिजनेस क्लास के 10 ईयर्स के वीज़ा लगवा सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ईजी जो वे है वो है जब हम स्टूडेंट होते हैं यहाँ कैनेडा में तब वीज़ा अप्लाई करना रैदर देन हम वर्क परमिट आ जाए उसके बाद। उसका रीज़न ये है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं देन द ऑफिशियल्स आर श्योर कि हम हमारा एजुकेशन कंप्लीट करने वापस कनाडा ज़रूर आएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमारे वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ कि यूएस वीज़ा की फ़ाइल लगाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो है जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया हो एंड सेकेंड सेमेस्टर चल रहा हो या फिर जस्ट स्टार्ट होने वाला हो। दैट इज़ द बेस्ट पीरियड आप अपनी यूएस वीज़ा की फाइल लगवा सकते हो। उसका एक रीज़न ये है कि जब हम इंटरव्यू की डेट शेड्यूल करें तो वो जो डेट है वो हमारे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बीच में जो वैकेशन होता है उस पीरियड में आ जाए तो काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक बार हमारा कोर्स ख़त्म हो गया देन इट माइट गेट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि जो ऑफिशियल्स होते हैं दे नीड कन्फर्मेशन कि हम वापस कनाडा आएंगे एंड हम यूएस में सेटल होने नहीं जा रहे हैं। तो अब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने मेरे यूएस वीज़ा मई में लगाए थे, यानी कि मेरा फर्स्ट सेम ख़त्म हो गया उसके जस्ट एक महीने बाद। उस टाइम पे जो मेरी इंटरव्यू की डेट लगी थी वो थी 2023 सितंबर, यानी कि डेढ़ साल बाद। यानी मैंने फ़ाइल किया मई 2022 में एंड मेरी इंटरव्यू की डेट आई थी 2023 सितंबर। सो उसके बाद ऑलमोस्ट रोज़ उठ के हम लोग चेक करते थे, रीशेड्यूल करते थे अगर आ जाए आ जाए आ जाए। तो पहली बार मेरी रीशेड्यूल हुई थी मार्च 2023 में, उसके बाद आई थी जनवरी 2023 में एंड फाइनली मैंने रीशेड्यूल लास्ट टाइम की तो वो नवंबर 28 को आ गई थी एंड वो भी टोरंटो यूएस एम्बेसी के कॉन्सुलेट में। सो ये है यूएस कॉन्सुलेट जनरल टोरंटो, एकदम TCS की बिल्डिंग के बाजू में। एड्रेस है 225 सिमको स्ट्रीट। अगर आप टोरंटो में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो मोस्टली यहीं पर ही आएगा आपका सेंटर। सो मेरी टाइमलाइन कुछ इस हिसाब से थी एंड अब अगर मैं बात करूँ तो बेसिक तीन चीज़ें होती है यूएस वीज़ा फाइल करने में। तो सबसे पहले होता है DS-160 फॉर्म एंड उसके बाद जो होता है वो है ये इंटरव्यू शेड्यूल करना एंड जो फाइनल स्टेप है वो है इंटरव्यू देने जाना। तो काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग खुद से भी ये वीज़ा फाइल लगवा सकते हो एंड अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं सारी डिटेल सही नहीं भर सकता देन देर आर अ लॉट ऑफ एजेंट्स आउट देयर जो आपके ये DS-160 फॉर्म फिल कर देंगे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ DS-160 फॉर्म की। इसकी एक लिंक है जहाँ से जाके आपको ये DS-160 फॉर्म फिल करना है, वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लेना एंड उसी लिंक से आप एक्सेस करना क्योंकि बहुत सारी फेक या फ्रॉड वेबसाइट्स खुली है जो ये सेम यूएस वीज़ा के लुकआउट जैसी लगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसी में से जाके ये फॉर्म भर दें। काफ़ी लंबा सा फॉर्म है सो टेक योर टाइम एंड आराम से सारी डिटेल्स ढंग से भरना। बेसिक डिटेल्स ही है लाइक आपके पासपोर्ट में जो है डिटेल्स, आपका यहाँ पे कोर्स कौन सा है, फिर आप यहाँ पे काम क्या करते हो एटसेट्रा एटसेट्रा एंड थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। सो काफ़ी इजी है फॉर्म, ऐसा कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा DS-160 फॉर्म कैसे भरना है वो मैं उसमें बस समझाऊंगा आपको। तो ये सारी डिटेल्स जब आप भर दोगे, पूरा DS-160 फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन। अब पेमेंट आपको उसी फॉर्म से नहीं करना है, उसके लिए एक अलग लिंक है, वहाँ पर जाके आपको पेमेंट करना है एंड मैं यूएस वीज़ा के पेमेंट की बात करूँ तो कुछ 160 USD लगता है एंड कुछ कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करके बताऊँ तो 220 से 230 कैनेडियन डॉलर्स अभी के रेट के हिसाब से चल रहा है। सो ये चीज़ हो गई पेमेंट की एंड वो पेमेंट लिंक में पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको इंटरव्यू शेड्यूल करने वाला पेज आ जाएगा जिसमें हर 15 मिनट के ड्यूरेशन में टाइम स्लॉट्स अलॉटेड है। तो आपके टाइम कन्वीनियंसी के हिसाब से आपको जो लगे वो टाइम सेलेक्ट कर लेना एंड अभी के करंट
सिनेरियो के हिसाब से मैंने जैसे बोला कि 1.5 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है, बट वो रीशेड्यूल करवा करवा के आप उस डेट को पास में ले आ सकते हो। तो एक बार जब आपकी इंटरव्यू की डेट फाइनल हो जाती है, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। जो भी प्लेस आपने सिलेक्ट करी है, देर आर कपल ऑफ प्लेसेस, लाइक टोरंटो में है, फिर मॉन्ट्रियल में है, एंड एल्बर्टा में भी है एक, फिर वैंकूवर में भी है। सो जहाँ भी आपको कन्वीनियंट रहे या फिर जितने डेट के हिसाब से आपको लगे, आप अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक करवा सकते हो। एंड उसके बाद करना कुछ नहीं, उसके बाद बस वहाँ पे पहुँच जाना है। अब वहाँ पहुँचने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से लेके जाने होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि ये DS-160 फॉर्म जो हमने भरा, उसका एक कन्फर्मेशन स्लिप आएगा, वो ले लेना है, उसकी प्रिंट निकाल लेनी है। उसके अलावा एक टाइम स्टैम्प होता है जो बहुत नेसेसरी है। तो ये दो चीज़ें एंड एक पासपोर्ट विच इज़ ऑब्वियसली मैंडेटरी। तो ये तीन चीज़ जो है वो सबसे मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद जो आता है वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कनाडा की स्टडी परमिट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद उसको प्रूफ करने के लिए मेरी यूनिवर्सिटी में से ट्रांसक्रिप्ट आती है, तो आप वो ले सकते हो। उसके अलावा एनरोलमेंट लेटर आ गया, एक वो ले सकते हो। एंड उसके अलावा जो होता है पेमेंट स्लिप्स आ गई, वो भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तरह आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना सिन नंबर भी साथ में ले ही जाओ। एंड ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में आ गई। अब जो एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है वो है अपना पासपोर्ट फ़ोटो, क्योंकि US एम्बेसी के रूल्स के हिसाब से इसके इस फ़ोटो की डायमेंशंस कुछ अलग सी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके उस रिक्वायर्ड डायमेंशंस में फ़ोटो खिंचवा लो। एंड अगर आप विंडसर में रहते हो तो लीनास फ़ोटो स्टूडियोज़ करके है, फिर वॉलमार्ट में है, एंड ये कुछ जगह है जहाँ पर आपको यही सेम स्पेसिफिकेशंस में फ़ोटोज़ निकाल के देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान से कलेक्ट करके, इकट्ठा करके US एम्बेसी कॉन्सुलेट में अपने इंटरव्यू के शेड्यूल्ड टाइम के 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पहुँचने के बाद की प्रोसेस क्या है, तो उसमें सबसे पहले अंदर जाने से पहले ही आपको, एक तो देर इज़ नो मोबाइल फ़ोन्स अलाउड, देर आर नो इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्ट वॉच आ गई, एंड ऐसी सारी चीज़ें जो है वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। एंड इसके अलावा आप कोई बैग भी अंदर नहीं ले जा सकते। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल हाथ में कैरी कर लो, या तो फिर ट्रांसपेरेंट बैग जो आते हैं उसमें कैरी करके आप वो ले जाओ, बट बैग अंदर नहीं ले जा सकते। तो आप उसका ध्यान रख लेना कि अगर आपका फ्रेंड आ रहा है तो आप उसको पकड़ा दो, या फिर कार से जा रहे हो तो आप कार में रख लो। एंड अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, आप खुद से जा रहे हो, तो अगर आपका टोरंटो कॉन्सुलेट में है तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप कहाँ पर लॉकर में रखवा सकते हो ये चीज़ें। ये वाली है सिमकोई स्ट्रीट, एंड यहाँ पे ये अपना US कॉन्सुलेट, और ये जस्ट टिम हॉर्टन से यहाँ पे, तो उसके बाजू में ये स्टोरेज लॉकर है, कन्वीनियंस स्टोर। यहीं पे हमारा, अगर पासपोर्ट साइज़ जो वीज़ा फ़ोटोज़ है आपने नहीं खिंचवाए तो आप यहाँ से भी खिंचवा सकते हो। एंड ये 7 बजे खुल जाता है, तो अगर आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट 8 बजे की है तो उससे पहले आके आप यहाँ से फ़ोटोज़ कलेक्ट कर सकते हो। एंड जो बात करी अगर मैंने स्टोरेज की, तो ये आप स्टोरेज एक्सेस भी यहाँ पे कर सकते हो। सो इसका ध्यान रखना। तो मेरी अपॉइंटमेंट 8 बजे है, एंड अभी 7:30 बज रहे, तो अभी से लाइन लगना स्टार्ट हो चुका है। तो हम जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वापस आते हैं और लाइन में लगते हैं। एंड अंदर जाने के बाद मैं फ़ोन एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए अंदर जो कुछ भी मेरे क्वेश्चंस पूछते हैं या जो भी प्रोसेस है वो मैं आके आपको सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है US कॉन्सुलेट, एंड जैसा आप देख सकते हो लाइन लगना स्टार्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की बात है। एंड इसके बाद 15 मिनट पहले ही, जैसे मैंने कहा कि अपने कॉन्सुलेट के आगे लाइन लगना स्टार्ट हो गया होगा, तो आपको जाके बस उस लाइन में खड़े रह जाना है। एंड जब आपका टर्न आएगा वैसे ही आपको अंदर बुला लेंगे। अब अंदर बुलाते टाइम सबसे पहले चेक होगा आपका वो टाइम स्टैम्प, जिसमें आपके वो डेट और वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट इंटरवल जो आपने सिलेक्ट किया है वो लिखा होगा, जस्ट टू लाइक कन्फर्म कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट अपॉइंटमेंट स्लॉट जो आपने बुक किया है। अब जब आप अंदर जाते हो, अंदर पहुंच जाते हो, तो अंदर आपको 3 मेजर लाइंस दिखेगी। तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो होगी जनरल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, जहाँ पे आपके सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करेंगे कि आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो जैसा मैंने आगे लिस्ट दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा सिर्फ स्टडी परमिट और पासपोर्ट और ये DS-160 फॉर्म, तो बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही मेरे वहाँ पे वेरीफाई हुए थे। उसके बाद जो लाइन आती है वो लाइन होती है हमारे फिंगरप्रिंट्स की। तो वहाँ जाके हमको हमारे फिंगरप्रिंट्स सबमिट करवाने होते हैं। एंड जो थर्ड लाइन है वो लाइन है इंटरव्यू की।
तो अब मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू में मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और क्या क्या क्वेश्चंस उसके अलावा पूछे जा सकते हैं, जिसका आप ध्यान रख सकते हो या फिर पहले से उसके आंसर्स प्रिपेयर करके जाओ तो इट वुड बी क्वाइट ईजियर एंड इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो बैठे ही है कि US वीज़ा इशू करे हमें, राइट? इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। सो अब फाइनल स्टेप पे आ गया है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को उन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही पूछे थे, जो कि थे कि मेरे को कनाडा में कितना टाइम हुआ है, तो मैंने सीधा सीधा बता दिया कि 11 महीने हुए मुझे कनाडा में। एंड दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि मुझे US क्यों जाना है, मेरी अब टर्म ख़त्म हो चुकी है एंड आई हैव माई वेकेशन, सो फॉर विच आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड ट्रैवल एंड विजिट द डेट्रॉइट विच इज़ नियर टू द विंडसर just for a day and have some fun, explore the food there, explore the entertainment which is possible out there. So ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी। सो इसके अलावा मेरे को क्वेश्चन पूछा था वो था कि what are my plans after the completion of my course. So इसका सीधा सीधा आंसर मैंने दे दिया था कि यहाँ कनाडा में हमको हमारी वर्क परमिट मिलती है एंड आफ्टर गेटिंग दैट आई वुड लव टू हैव सम कैनेडियन एक्सपीरियंस इन माई फील्ड हियर। बस इतना ही आंसर दिया था मैंने। और एक और क्वेश्चन मुझे पूछा था कि मैं यहाँ पे क्या कौन सा कोर्स स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने बता दिया था कि आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर एंड दैट्स इट। यही 4 क्वेश्चंस मेरे को पूछे थे। एक और बात कि US वीज़ा लगवाना मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अ पर्सनल ओपिनियन कि आपको लगवाना है आप लगाओ, आपको नहीं लगाना है दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आ रहे हो दैन इट इज़ रियली ईजी टू गेट द US वीज़ा इन द स्टूडेंट लाइफ एंड आपको मिल रहा है 10 साल के US वीज़ा विजिटर वीज़ा, सो वाई नॉट। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था कुछ मेरा एक्सपीरियंस US वीज़ा का एंड वीज़ा लगने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग डेट्रॉइट जाके भी आ गए। सो कंपैरेटिवली जो बॉर्डर पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो काफ़ी मुश्किल लगे मुझे रादर देन दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड बाकी तो कुछ नहीं यार, सीधा से हिसाब है आप आए हो कनाडा तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आपको जस्ट ग्रैब देम एंड एन्जॉय योर लाइफ। तो दोस्तों फाइनली हमने हमारा पैकेज कलेक्ट कर लिया है एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो पैकेज कलेक्ट करने के लिए आपको अपने नज़दीकी कैनेडा पोस्ट में आना होगा। यहाँ विंडसर में 401 ऑलेट पे है ये, जो ऑलेट और पार्क स्ट्रीट के जंक्शन पे एग्जैक्ट है कैनेडा पोस्ट। तो बस यही है प्रोसेस US वीज़ा की। तो चलिए अब चलते हैं US घूमते हैं और उसके ब्लॉग्स निकालते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हम US वीज़ा की फ़ाइल लगाए तो क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स है and that is how my experience went for the US visa. So yeah, that's it for today's video and ab milte hain hamare next vlog mein. Tab tak ke liye bye bye, stay blessed, stay safe and keep smiling. Thak gaye kya? Bahut thand lag rahi hai, bahut zyada sab kuch bol raha hai. जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन ग्रीटिंग्स फ्रॉम द रिवर USA। ये रिवर जीएम की बिल्डिंग जीएमसी, अभी तक तो सिर्फ सामने से देखी थी डेट्रॉइट की स्काईलाइन, आज देखते हैं विंडसर की स्काईलाइन। बस एक सीजर सर।